नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं वीरी टीवी भारत। शाहीन बाग से अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ जो याचिका दायर की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए ये भी पूछा कि इस मामले में पीड़ितों की जगह राजनीतिक दलों ने अदालत का दरवाजा क्यों खटखटाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि देश भर में अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियानों पर उन्होंने रोक नहीं लगाई है। साथ ही शाहीन बाग में मामला रिहायशी मकानों से जुड़ा नहीं है बल्कि सड़क को खाली कराने से जुड़ा है। इसके बाद सीपीआईएम पार्टी ने अपनी याचिका भी वापस ले ली। बता दें कि दक्षिण दिल्ली के अवैध निर्माण के खिलाफ जो कार्रवाई एमसीडी कर रही है उसको रोकने के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।